आइए बच्चों देखते हैं इस लेडी बग का मोशन। तो ये लेडी बग जो है भाई, ये कीड़ा जो है, क्या लेडी बग बार बार बोलना, ये कीड़ा जो है आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, जिसे ग्रीन कलर के एरो से दिखाया है, आप देखिए इस वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, और साथ ही साथ इस वेलोसिटी वेक्टर की जो पोजीशन है, मैं क्या कहूँ, डायरेक्शन है, इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ दैट सर्किल। यानी कि अगर इस पाथ किसी भी इंस्टेंट पे मैं टेंजेंट खींचूँ, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब देखते हैं कि अगर मैंने जैसे आपको बात बताई थी कि अगर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो इसके एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज मानेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो जस्ट परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा, या मैं कहूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं आपको, आप दोस्तों, दिखाने जा रहा हूँ इसका एक्सेलरेशन वेक्टर। तो दिल थाम के बैठ जाइए एक्सेलरेशन वेक्टर देखने के लिए, और देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर तो बिल्कुल सही, क्या ये परपेंडिकुलर है, आप कैसे मानोगे, चलो दोनों वेक्टर देख लो। नाउ सी दिस, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड ड्यू टू दिस दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज द वर्ड द सेंट्रिपिटल मीन्स दैट सेंटर सीकिंग, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट इज सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। तो बेटा ये है आपका सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, और अगर मैं इसका पाथ आपको डॉटेड से दिखाना चाहूँ तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये एकदम मोशन, कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो इसी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंटली ये मूव कर रहा है। तो वापस अपने बैक टू द टॉपिक चलते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, और इसलिए मजा आया तो यार जल्दी से कमेंट में बताना। बाय।